हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द ग्रंच फिल्म के बारे में जो हो गई है फाइनली रिलीज। वेल, तो ये वीडियो एक स्पॉइलर फ्री वीडियो है जिसमें हम फिल्म की पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। वेल, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये फिल्म हमारे इंडिया में हो गई है रिलीज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है, यानी आपको ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देखने मिलेगी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। वेल, तो सीधी और साफ बात करूं तो अगर आपने एनिमेटेड टीवी शोज देखे है जो आते थे 60s के टाइम पर, और अगर आपने जिम कैरी की लाइव एक्शन फिल्म देखी है जो आई थी ईयर 2000 में, तो डेफिनेटली आप इस फिल्म को ना देखें। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, भले से ही फिल्म को इल्यूमिनेशन स्टूडियो वालों ने प्रोड्यूस किया हो तब भी, क्योंकि आपको ये फिल्म काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। और मैं भी इस फिल्म को देखते वक्त ऐसे ही डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल सेम है। फिल्म की स्टोरी में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, यानी ग्रंच का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसे क्रिसमस से नफरत है, और कैसे वो पूरे टाउन वालों का क्रिसमस खराब करता है यही इस फिल्म में भी दिखाया गया है। कुछ नया अलग से इस फिल्म में नहीं डाला गया, और जिन लोगों ने ना एनिमेटेड शो और लाइव एक्शन फिल्म देखी है तो वो लोग जाकर डेफिनेटली इस फिल्म को देखें, और उन लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगी। एक हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इस फिल्म को 2018 में बनाने का मतलब ये था कि आने वाली नई जनरेशन इस फिल्म को देखकर ग्रंच को याद रखे। तो इस हिसाब से अगर हम फिल्म को देखें तो स्टूडियो का काम काफी अच्छा है, लेकिन उन लोगों को फिल्म में काफी सारे चेंजेस करने चाहिए थे, ना कि सिर्फ इस फिल्म में एक कैरेक्टर को एड कर दिया गया, और वो कैरेक्टर रेनडियर का है। ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जिसे इस फिल्म में अलग एलिमेंट के लिए डाला गया है, जिससे काफी ज्यादा फन क्रिएट हो और इस फिल्म को काफी ज्यादा एंजॉय करें। तो अगर मैं उन बातों को छोड़ दूं तो ये फिल्म एक ठीक ठाक एंटरटेनमेंट फिल्म है, लेकिन तब जब आप अपने साथ में बच्चों को ले जाओगे तब, वरना आपको ये फिल्म करेगी थोड़ा बोर, भले से ही एनिमेटेड फिल्म क्यों ना हो। ये इस फिल्म की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिल्म का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा रिच है, जिस वजह से आपको ये फिल्म पूरी फ्रेश लगती है। और अब बात कर ले इस फिल्म की वॉइस कास्टिंग के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेनेडिक्ट कम्बरबैच को ही पहचानते हो, बाकी के जितने भी एक्टर्स ने फिल्म में अपनी वॉइस दी है वो इतने ज्यादा नोन नहीं है, इसलिए हम उनकी बात को कर देंगे साइड में। और बात करेंगे बेनेडिक्ट कम्बरबैच की, तो उन्होंने ग्रंच की वॉइस को काफी लाउड रखा है, जो कई हद तक ग्रंच के कैरेक्टर को सूट नहीं करता। तो मुझे लगता है अगर उन लोगों को इस फिल्म को रीमेक ही करना था एनिमेटेड में, तो उन लोगों को जिम कैरी को फिर से बुलाना चाहिए था ग्रंच की वॉइस देने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट थे ग्रंच की वॉइस देने के लिए। वेल, ये मेरा ओपिनियन है, फिल्म मुझे कैसी लगी मैंने आपको सिर्फ वही बताया है, और मुझे लगता है ये बात उन सभी को भी पता चलेगी जब वो लोग इस फिल्म को देखकर बाहर निकलेंगे। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर्स की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है यारो और स्कॉट ने। स्कॉट ने इसके पहले एनिमेटेड फिल्में नहीं बनाई है, लेकिन बात करें यारो की, तो यारो ने इसके पहले अ सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट जैसी फिल्म बनाई है, जो एक ठीक ठाक फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बहुत ज्यादा तगड़े थे, जिस वजह से इस फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है। वेल, तो इन दोनों का डायरेक्शन लाजवाब है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, फिल्म के एनिमेशन को काफी रिच रखा गया है, और ज्यादातर तो उन्हें डॉक्टर ज़ूस जैसे अपने दिमाग में कैरेक्टर्स को सोचते हैं वैसे ही रखा गया है। अब डॉक्टर ज़ूस कौन है, तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ, डॉक्टर ज़ूस ने बच्चों के लिए काफी अलग अलग कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन हर एक कहानी में उनके कैरेक्टर्स एक ही जैसे दिखते हैं, और इस फिल्म का एनिमेशन भी वैसा ही है। और अब आ जाए मेरी रेटिंग पर, तो मैं इस फिल्म को दूंगा सी, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार यही कहूंगा कि अगर आपको ग्रंच के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये एक बहुत अच्छी फिल्म हो सकती है, और मुझे लगता है आप फिल्म को देखने के बाद मुझे बुरा भला जरूर कहोगे, लेकिन जिन लोगों को ग्रंच के बारे में पता है तो वो लोग इस फिल्म से थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है द ग्रंच फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।